चैनल, कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपको सुखना लेक। चलिए। चंडीगढ़ में सुखना लेक बहुत ही फेमस टूरिज्म प्लेस है। दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। और ये देखिए, ये है ऊंट। यहाँ पर लोग ऊंट की सवारी भी करते हैं, ये देखिए। तो आइए चलते हैं सुखना लेक। ये है सुखना लेक का मेन एंट्रेंस, क्योंकि सुखना लेक बहुत ही बड़ी है। तो आप सब लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी कोई यहाँ पे घूमने आए, प्लीज़ आप सफाई का ध्यान रखिए, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पीसफुल प्लेस है, बहुत ही सुंदर इसको बनाया गया है। और ये है फूड कॉर्नर। यहाँ पर आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएगी, फास्ट फूड मिल जाएंगे आपको, जूस, आइसक्रीम, बच्चों के खिलौने सब मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये है एडवेंचर एक्टिविटी के लिए, जहाँ पर कि बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, कोरोना की वजह से यहाँ पे जो प्ले सेक्शन है बच्चों का, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से ये सारे प्ले सेक्शन बंद कर दिया गया है। नहीं तो बच्चों की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मस्तियाँ लगी रहती थी, देखने को मिलती रहती थी। और ये देख सकते हैं, ये है सुखना लेक, जो कि चंडीगढ़ की वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म प्लेस है। यहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टापू है सामने, ये सुखना लेक के बीचों बीच जो ज़मीन है, ये देखिए, यहाँ पर सुंदर सा पार्क भी बनाया गया है। और इसके साथ ही पीछे आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो। बोटिंग के लिए आपको यहाँ पर टिकट कॉर्नर मिल जाएगा। यहाँ पर अलग अलग रेट होते हैं टिकट के, तो ये देख सकते हैं आप, बोर्ड में कुछ इस तरह से हैं। और ये है सेल्फी पॉइंट, ये चंडीगढ़ का मैप है जो हैंड आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप अपने स्केचेस भी बना सकते हो। अभी हम सुखना लेक आए हैं लगभग 5-6 महीने के बाद, क्योंकि गांव के आने के बाद हम पहली बार लेक आए हैं। और यहां का वाटर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, बारिश के कारण बहुत ही ओवरफ्लो हो चुकी है ये लेक, जैसा कि आप देख ही सकते हो। फ्रेंड्स, ये लेक बहुत ही बड़ी है, मैं आपको आगे तक दिखाऊंगी पूरा। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हैं, ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स हैं जिनको मैंने कैप्चर कर लिया आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये है जॉगिंग ट्रैक, यहाँ पर आप जॉगिंग कर सकते हो। और यहाँ पर पानी की भी सुविधा है। चलिए आगे आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको पूरी सुखना लेक। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है विशाल काय पीपल का पेड़, जो कि बताया जाता है कि बहुत ही पुराना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको जगह जगह ये बोर्ड दिखाई देंगे, सेफ्टी वार्निंग इसमें दी गई है। ये देखिए, ये है क्रूज। और यहाँ पे लोग बोटिंग का आनंद ले रहे हैं, ये देख सकते हैं कितनी ही बड़ी ये लेक है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये लेक लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। और ये बनाई गई है 1958 में, इसको बनाया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। चलिए अब चलते हैं आगे आगे,
हम पहुंचेंगे लास्ट में इसके एंडिंग पॉइंट में। तो फ्रेंड्स यहाँ सुखना लेक में बना है पुल बीचों बीच सुखना लेक के, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे। यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ कई लोगों ने अब पानी में कूद के अपनी जान दे दी है। यहाँ पर आप पुलिस की निगरानी में ही जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लोग बहुत सारे आते हैं और एक बार आने के बाद लोग बार बार आते हैं क्योंकि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। यहाँ बहुत ही शांति है, बहुत पीसफुल एरिया है। जॉगिंग, ट्रैकिंग, रनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पे आप इवनिंग वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बनाए गए हैं ओपन जिम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इवनिंग व्यू सुखना लेक का, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। जो भी कोई यहाँ पे आना चाहेगा तो रात का व्यू ज़रूर देखिए। रात को बहुत अच्छी लाइटिंग होती है यहाँ पे, जैसा कि आप ये देख सकते हो। अंधेरा होने वाला है और यहाँ पे लाइटिंग कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पहुँच चुके हैं हम एंडिंग पॉइंट में। ये है सुखना लेक के बिल्कुल अपोजिट साइलेंस पार्क बनाया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे बुद्धा की एक प्रतिमा है। ये देखिए बुद्धा भगवान जी की, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। और यहाँ पर भी लोग साइलेंस ढूंढने आते हैं, जो लोग जैसे कि जो मेन सुखना लेक का पॉइंट है, जो मेन एंट्रेस है, वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो लोग यहाँ पे आते हैं एकांत में और बहुत ही यहाँ पे साइलेंस है। और ये देखिए व्यू, लाइटिंग अमेजिंग, रात का व्यू देखने का अलग ही मज़ा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जो कोई भी यहाँ सुखना लेक घूमने आएगा वो इवनिंग व्यू या नाइट व्यू ज़रूर यहाँ पे देखिए। और फ्रेंड्स ये देखिए हम पहुँच चुके हैं सुखना लेक के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे। हम खड़े हैं इस पुल के ऊपर। ये बना है डैम, यहाँ से पानी छोड़ा जाता है जब भी पानी ओवरफ्लो होता है। तो फ्रेंड जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूले, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं आप घर की तरफ। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।